पांच ऐसे जूनियर एग्जाम के बारे में बताना चाहूँगा, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, क्योंकि ये कोर ब्रांच के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाके 12 घंटा 14 घंटा और कई सालों तक करने के बाद 20 से 30 हज़ार सैलरी, 40 हज़ार सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, हालत ख़राब हो जाती है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खासकर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले। बट ये जॉब ऐसी है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए है, जो बेस्ट जॉब है भैया आप लोगों के लिए, वो 2024 में आने वाली है, कुछ तो आ चुकी है, उसका कैसे प्रिपरेशन करना है। और आगे की चार पांच जो जॉब है, जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, जेई बनने का बहुत मौका है। अदर चीज़ों में जाओगे के TSC में तो भाई भटक जाओगे, ज़िंदगी भटक जाएगी, बट इसमें मौका है। SSC JEE ने 900 प्लस वैकेंसी निकाला है, जिसमें आपका एग्ज़ाम 5, 6 और 7 जून को होने वाला है। और ये आप समर बोनंजा ऑफ़र में एक शानदार और ज़बरदस्त ऑफ़र है, लिमिटेड ऑफ़र है, जिसमें आपको SSC JEE टेस्ट सीरीज़ सिर्फ आपको 199 रुपये में मिलने वाला है फॉर SSC JEE एस्पिरेंट के लिए। तो कोड यूज करना है DPK250 आपको इस ऑफ़र के लिए। अशोका 2.2 बैच, जिसमें AEJEE बैच है, 2,999 रुपये फॉर ऑल AEJEE एग्ज़ाम, जो सिर्फ सिर्फ 2,999 रुपये में आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात किया RRBJEE एक्सप्रेस 2.2 बैच, जिसमें RRBJEE एस्पिरेंट के लिए है, 1,999 रुपये में। इसमें आप कोड यूज करते हो DPK250 तो आपको ऑफ़र अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैच 2 ईयर वैलिडिटी के साथ फॉर AEJEE एग्ज़ाम, जिसमें 3,499 रुपया में आपको मिल जाएगा, कोड यूज करना है DPK250। उसके बाद अभ्यास बैच SSC JEE 2024 टारगेट कोर्स फॉर SSC JEE एस्पिरेंट 749 रुपया ओनली समर बुनंजा ऑफर में, लिमिटेड ऑफर है। उसके बाद UP SSC JEE 2.0 बैच फाउंडेशन बैच सिविल 1,999 रुपये में अभी ऑफर में है, तो आप ले सकते हो फॉर UP SSC JEE एस्पिरेंट। उसके बाद चाणक्य AEJEE, जैसे कि आपको पता है BOD रिकॉर्डेड बैच होता है, वीडियो रिकॉर्डेड बैच होता है, जिसमें AEJEE एग्जाम फॉर इंडिया के टॉप फैकल्टी 1,749 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद चाणक्य है AEJEE BOD बैच नॉन टेक्निकल, जो है रिकॉर्डेड फॉर ऑल AEJEE एग्जाम 749 रुपये में। उसके बाद बात किया जाए जो बैच ऑफर करेंगे SSC JEE RRBJEE NHPC UP SSC DSSB JEE PG, ये सारे एग्जाम बेस्ड ऑन द न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर इन हाईलिंक लैंग्वेज, क्लास नोट DPPA सोल्यूशन विल बी चैप्टर वाइज, शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर, इंडियन बेस्ट फैकल्टी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने, स्टूडेंट डाउट्स सॉल्व में हो रहा। AEJEE खजाना गिविंग द AEJEE खजाना विद द गेट बैचेज जस्ट 1,499 रुपये, इन विच गेट फीचर रिकॉर्डेड लेक्चर बाई इंडिया बेस्ट फैकल्टी ऑन PW एप्लीकेशन DPPA एंड DPPA सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद फतेह बैच SSC JEE CBT 1 एंड CBT 2, जिसे 1,599 रुपये में है फॉर SSC JEE CBT 1 एंड CBT 2 एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, कोड यूज करना है DPK250। बात किया जाए जूनियर इंजीनियर की, बात किया जाए जूनियर इंजीनियर, एक इंजीनियर डिप्लोमा वाला का पहला ड्रीम होता है, बीटेक वाले का भी ड्रीम होता है, क्योंकि बने अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो पहला एम होता है JEE का, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप AE बनते हो, फिर KTSC आगे बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। अब JEE 2024 की बात किया जाए तो क्या है, 2024 में पहला आपका टास्क है SSC JEE जून 5, 6 और 7 जून को पेपर है, उसका टास्क है, उसको क्रैक करने के लिए आपको अभी क्या करना है, अब तो आप पढ़ चुके होंगे, आपको सिर्फ सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज फोकस करना है, और अभ्यास बैच करना चाहते हो तो अभ्यास बैच भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, अब लिंक इन डिस्क्रिप्शन है अभ्यास बैच का, वहाँ जाइए ज्वाइन कीजिए, बहुत कम पैसों में अभ्यास कीजिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए, जितना सारा JEE के क्वेश्चन है उससे भी कर सकते हो, क्योंकि JEE में एक अच्छी पोस्ट आती है 1,000 से ऊपर, इस बार 9+ है बट 1,000 के अराउंड से ऊपर हो जाएगा, तो एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे JEE बन सकते हो, और अच्छी सैलरीज होती है, आप BRO में जा सकते हो, MES में जा सकते हो, CPW में जा सकते हो, CPWT में, CWS में जा सकते हो, बहुत शानदार, मतलब ड्रीम जॉब, अच्छी जॉब, बैठे बैठे पैसे कमाओ, काम कम होता है, प्रेशर कम होता है, एक बार जॉब आने के बाद बहुत सारी चीज़ें माइंडसेट एकदम डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यार यू कैन फोकस गाइस, जितने सारे नए स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो या पुराने देख रहे हो, इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड के पास फॉरवर्ड करना। उसके बाद मैं बताऊँ रेलवे की JEE,
रेलवे की जेई में बात किया जाए, रेलवे की जेई में हाँ थोड़ा सा जॉब हेक्टिक होता है, बट ओवरऑल सैलरी अच्छी होती है, फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, जो आपको एक टाइम के बाद प्रमोशन भी हो जाता है, तो उसमें भी अराउंड आपकी अच्छी खासी 2,500-3,000-4,000 वैकेंसीज आने वाली है। अभी अराउंड लोग कहते हैं 2,000 आएगी, कोई कहता है 2,500, बट इट इज़ अभी मतलब ये कन्फर्म चीज़ें नहीं है, ये आपका कन्फर्म जब कन्फर्म होगा, जब आपका नोटिफिकेशन प्योरली आ जाएगा, जो सितंबर मोस्टली सितंबर या अगस्त के बीच आपका नोटिफिकेशन में आ जाएगा, 2,500-3,000 वैकेंसी तो मिनिमम मान के चलो ही चलो, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी जे जिसमें आपको 5,000 बहुत बम्पर वैकेंसीज है, 5,000 मतलब बहुत बड़ा वैकेंसीज होता है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, थोड़ा थोड़ा मतलब सिविल की तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, अभी बीटेक अलाउड नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ने कर दिया तो अच्छी बात है, तो बीटेक अलाउड हो जाए, बट हाँ अभी डिप्लोमा के लिए खासकर अभी ये वैकेंसीज जो भी प्योरली नोटिफिकेशन में था तो उनके लिए है, तो ये बहुत मौका है, ये भी एक तीसरी वैकेंसीज है जो 5,000 नियर अबाउट वैकेंसीज हैं। उसके बाद मैं बात करूँ दो स्टेट की बात करूँ, DSSB जेई दिल्ली की जेई में जो अराउंड 700 से 800 वैकेंसी निकलती है, ओवरऑल इंडिया अलाउड होता है, वहाँ पर बीटेक भी अलाउड होता है, तो इसको भी भर सकते, इसमें भी बहुत शानदार और ज़बरदस्त मौका होता है। उसके बाद मैं बात करूँ राजस्थान जेईएन, राजस्थान जेईएन एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, लोग जेईएन बनना चाहते हैं, तो राजस्थान जेईएन में भी आप जा सकते हो, जो बड़े मार्जिन मेजर वैकेंसीज है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, छोटे वैकेंसीज के बारे में मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ जो कम वैकेंसी निकालते हैं। तो ये पांच ऐसी जगह है जो जेई बनने का मौका, इसी के साथ स्टेट जेई भी, स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर का भी पोस्ट आता है, तो इसको भी आप फॉर्म को भर सकते हो, तो ये मेजर पार्ट है, इसका प्रिपरेशन करना है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे मतलब बैचेज का जाइए, और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, इसको फोड़ना है तो भाई आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तगड़ा लेवल पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज पे फोकस करने पड़ेगा, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे फोकस करने, नॉन टेक्निकल पे फोकस करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को फोकस करना, क्योंकि प्राइवेट में अगर जॉब करने जाओगे तो भाई स्टार्टिंग में 15,000 नहीं देंगे, और कई साल तक 15 से 20 होता है, 25 होता है, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो भाई कोई रिस्पेक्ट भी चीज़ें नहीं है, और बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं भाई, गर्मियों में हालत ख़राब कर देते हैं भाई, मतलब क्या बोलूँगा, वीडियो अच्छे से लगे एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, लोगों को देखा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।